दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पारंपरिक साल के पत्तल में खा रहे हैं फुलकी रोटी और कड़कनाथ। हाँ हाँ भाई, कड़कनाथ कड़कनाथ तुम्हें ही बना रहे हैं, तुम्ही लोगों को बना रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्ही लोगों को। ये है कड़कनाथ धोने में। मधुमिता को दो रोटी मैं देता हूँ। जो है बिल्कुल मना कर रहा है निकली। दिलीप शेफ। तो ये बन रहा है गरम गरम फुलका, और कौन बना रहे हैं आज? दिलीप शेफ। तो दोस्तों जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किचन में, मधु दिलीप फूड एंड लाइफ में। तो हमारी लाइफ क्या है कि काम करो खाना बनाओ और खाओ। ये तब हम कर पाते हैं जब हमें समय मिलता है गूगल और रेबिट से। मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर मैं रोटी बेल रहा हूँ गरम गरम, और इतना फास्ट मैं ही कर सकता हूँ, मधुमिता नहीं कर सकती है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने सरेंडर कर लिया है, बोले कि मैं बंगाली में भात में संतुष्ट। भात कड़कनाथ कड़कनाथ है, वो छत्तीसगढ़ से यहाँ आ गया है। इतना फूलता है मेरे से, फूल जा, मेरी इज्जत रख ले। तो ये है आज का हमारा प्लेट्स, ये जो साल पत्ते का पत्तल, और इस तरह से हम बिल्कुल एक झारखंडी खाना खाएंगे, देसी खाना खाएंगे हम लोग। आइए और खाइए हमारे साथ कड़कनाथ और फुलका रोटी रात में, और धनिया पत्ते की चटनी। तो बहुत yes. इंतजार, ये मधुमिता गर्मा गर्म कड़ाही में लेकर आई है कड़कनाथ। काला रंग, इसका काला रंग क्यों होता है उसकी वजह है क्योंकि ये पूरा कड़कनाथ ही काला होता है, इसका ब्लड भी काला होता है। साल पत्ते के दोने में मधुमिता इसे सर्व कर रही है। तो इसका जो विलेज का खाने का टेस्ट है, ग्रामीण रूरल एरिया में खाने का टेस्ट है, वो हम लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मज़ा लेंगे। देखिए हम लोगों ने डाइनिंग टेबल में पूरा वो जो पत्तल थे उसे संभाल कर रखा हुआ है, और उसी में हम लोग खाने वाले हैं। क्या इस ठंड में स्टीम हॉट मज़ा आ जाएगा। ओहो, इस ठंड में देखिए क्या भाप निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है पत्तल के दोने से में, गर्मा गर्म कड़कनाथ चिकन। ये है कड़कनाथ दोने में, ये है गाजर, ये है फुलका, और ये मधुमिता के लिए कड़कनाथ, और ये पत्तल, हरा पत्ता, साल का पत्ता जिसमें हम लोग खाएंगे। तो मैं इनको रोटी दे दूँ, मधुमिता को दो रोटी मैं देता हूँ, और मैं देता हूँ दो रोटी यहाँ पर। मेरे बनाया हुआ रोटी एवी डॉट गूगल के लिए जो सबसे नीचे एक है। रोटी है जिसको मधुमिता ने बनाया है, ये रोटी, ये गूगल और एविट खाएंगे। इनका भी मैं निकाल के यहाँ रखता हूँ। गूगल क्या कर रहा है, एविट को मना कर रहा है इधर पास में आने के लिए। गूगल जो है एविट को मना कर रहा है निकले। अच्छा मैं आपको बता दूं, खाने से पहले ये जो कड़कनाथ है ये बिल्कुल ही ब्लैक होगा बनने में, और इसका मांस जो मैंने टच किया ये बिल्कुल मटन के जैसा होगा, लेकिन इसका बोन्स चबाना काफ़ी मुश्किल होगा। आप बोल सकते हैं कि मैं बिना खाए कैसे किया, तो मैं इसको दोपहर में ऑलरेडी खा चुका हूँ। अब मैं इसको चकढुम करके इस पर डाला, और उसके बाद ऑसम टेस्ट। लो बेटा, चलो बेटा अब हम लोग शुरू करते हैं। सिट डाउन बेटा, एविट सिट डाउन। हाँ गुड बॉय, लो बेटा। ये लोग अपना हिस्से का खाना, हाँ इनकी मम्मी का हाथ का पकाया हुआ, लो ये इनकी मम्मी ने पकाया था इनके लिए रोटी, वो खिला रहे हैं तोड़ तोड़ कर उनको। अब खा रहे हैं हम लोग इसको। अब खाते खाते यही मैं बताऊँ कि बहुत ही शानदार बना है। और क्या क्या है? धनिया पत्ते की चटनी, गाजर, इसमें ये धनिया पत्ते की चटनी है, ये कैरेट जो है ये स्टीम बॉयल किया हुआ कैरेट है रात के लिए, क्योंकि कच्चा खाने की इच्छा नहीं हुई मुझे, तो ये है, इसे मैं कुछ ले लूँ। तो दोस्तों आपको मौका मिले तो आप भी इस विंटर में कड़कनाथ का मज़ा लीजिए। आप बस, मैं मज़ा ले रहा हूँ। ये मधुमिता की ही जिद होती है कि जो भी रूरल एरिया में चीज़ें देखती है जैसे साल के पत्ते, तो उसे सौगात के रूप में उठाकर ले आई। गाँव को छोड़ दिया है लेकिन घर में आकर भी हम उसका मजा ले रहे हैं डाइनिंग टेबल में, साल के पत्ते में, दोने में, फुलकी रोटी और कड़कनाथ। आप भी एक बार खा के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपने मील को इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।